विशेष शिविर की पांचवे दिन दिनांक 20 जनवरी 2024 को गया कॉलेज गया के स्वयं सेविकों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान को गया कॉलेज गया के प्रधानाचार्य सतीश सिंह चंद्र के द्वारा शुभारंभ किया गया। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जन एवं धन क्षति से बचने की लोगों को जागरूक करने पर बल दिया और स्वयं सेविकों को निर्देश दिया कि वे सड़क सुरक्षा से संबंधित छोटे छोटे बातों को लोगों को बताएं और समझाएं ताकि सड़क दुर्घटना में कमी आ सके। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र ने स्वयं सेवकों को सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए पोस्ट के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रेरित किया। इस अभियान का नेतृत्व यूनिट 2 के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर रवि कुमार के द्वारा किया गया। सभी स्वयं सेवकों ने इसमें अपनी सहभागिता की। परिवहन विभाग के द्वारा भी बच्चों को सहयोग प्रदान किया गया। स्वयं सेवकों ने हेलमेट लगाने, सीट बेल्ट लगाने, जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करने जैसे बिंदुओं पर लोगों को रोककर समझाया और हेलमेट न लगाने वालों को हेलमेट लगाने की सलाह दी। यह अभियान गया कॉलेज गया मोड़ से लेकर सिकरिया मोड़ तक चलाया गया और लोगों को जागरूक किया गया। सड़क दुर्घटना में बड़ी संख्या में लोग प्रतिवर्ष हताहत होते हैं। अगर लोगों में जागरूकता आ जाए तो हम बहुत बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। सावधानी बरतने से सुरक्षा हो सकती है। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित विशाल राज ने कहा कि हम सभी गया वासियों को सड़क सुरक्षा नियम का पालन करना चाहिए। हम सभी स्वयंसेवक निरंतर शहर में जागरूकता अभियान चलाते हैं। साथ ही साथ प्रशासन से यह अपील करना चाहता हूं कि वह ऐसे अभियान चलाए कि चालान काटने के बाद हेलमेट दे, इससे उनके पास हेलमेट भी उपलब्ध हो जाएंगे। इस अभियान में शामिल स्वयंसेवकों में शामिल राज विपिन कुमार, सौरभ कुमार, सावन, अभिषेक, इश्तियाक, कन्नू आदि ने सहभागिता की। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गया बिहार से संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट।